हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करेंट गुरु विद के पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार के एग्जाम्स के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर आज का टॉपिक एक जोशवर्धक कोट के साथ। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत पर जाना है, मुझे तो आसमां तक जाना है, रास्ता भी खुद बनाना है। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और अपने मंजिलों को, अपने रास्तों को खुद तय करते हैं, खुद रास्ते बनाते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार एक परिचय। बिहार के हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एमवीआई और अन्य एग्जाम्स के लिए आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार एक परिचय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिहार एक परिचय। इसमें हमने बिहार से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, जो बिहार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें बिहार का इतिहास, भूगोल व जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न को मैंने संगठित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को। बिहार और उड़ीसा प्रांत एक साथ होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है 1912 में। इसकी घोषणा 22 मार्च 1912 को हो जाती है, इसलिए बिहार दिवस प्रतिवर्ष हम 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार का विभाजन 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होता है। दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को, जिससे झारखंड राज्य अलग होता है और नए राज्य का गठन होता है, झारखंड राज्य। बिहार की राजधानी दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पटना है। इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने, बिहार का शासक था, उसने पटना की स्थापना करी 1541 ईस्वी में। बिहार की राजधानी पटना। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व में उदयीन, जो बिहार राज्य की आकृति दोस्तों आयताकार है। इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। दोस्तों, ये आंकड़े भी एग्जाम से पूछे गए हैं, 2011 के सेंसस के आधार पर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करो दोस्तों तो भारत में बिहार का 13वां स्थान है। ये सब इम्पोर्टेंट डाटा है जो हमें पता होना चाहिए। बिहार के भौगोलिक स्थिति की बात करो दोस्तों तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में। बिहार राज्य की सीमा 3 राज्य के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। बिहार एक देश के साथ सीमा साझा करता है, जो देश है नेपाल। ये भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किशनगंज में। एक औसत वर्षा की बात करें दोस्तों तो 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है बिहार में। सर्वाधिक वन वाला जिला बिहार में रोहतास है, न्यूनतम वन वाला जिला पूर्णिया है। दोस्तों, वन क्षेत्र की बात करूं तो 7,000 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है बिहार राज्य में, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का 7.05% है। तो राजकीय चिन्ह की बात करें, बोधि वृक्ष है पीपल वृक्ष। राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय मछली देसी मांगुर। ये एक राज्य भाषा, पहली राज्य भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश भोजपुर, बक्सर, चौसा के निकट होती है। राज्य का लोक नृत्य छऊ, कटघोरवा, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, डोमकच, कर्मा। बिहार में भाषाएं बोली जाती हैं मैथिली, मगही,
भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका। सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी, 875 मीटर की ऊंचाई है इसकी। बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग NH 32। राज्य की विधायिका द्विसदनीय है दोस्तों। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या 40 है दोस्तों। मैंने इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 275 है, 75। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट 6। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में जिलों की संख्या की बात करूं दोस्तों, 38 है, 38। और 38वां जिला अरवल है, जो एग्जाम्स में सीधे कई बार पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। राज्य में परमंडल की बात करें दोस्तों, तो 9 परमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुमंडलों की संख्या, ये भी एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं, 101। प्रखंडों की संख्या 534 है। राज्य में गाँव की संख्या 44874। 84 जिला परिषद की संख्या दोस्तों 38 है, 38 जिला, 38 जिला परिषद। नगर पंचायत 87 है। नगर परिषद 3 है। नगर निगम की संख्या 11 है दोस्तों। बिहार का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक मधेपुरा 31.12% है और न्यूनतम गोपालगंज का है 19.2%। ओवरऑल दशकीय वृद्धि की बात करें तो 25.4 है। बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, जिसकी क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये घटते क्रम में दोस्तों। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, ये बढ़ते क्रम में, फिर शिवहर है, फिर अरवल है। साक्षरता दर की बात करो दोस्तों, 61.8% लोग साक्षर हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 71.2% और महिलाएं 51.5% साक्षर हैं दोस्तों। साक्षरता के दर में बिहार सबसे नीचे के स्थान पर है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, तो रोहतास जिले का है, जो 73% है। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो पूर्णिया है, जो 51.8% है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, जो राज्यों में प्रथम है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, जो 1106 है। ये इम्पोर्टेंट से एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में शिवहर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, भोजपुर, बक्सर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले पूर्णिया, कटिहार। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले सहरसा है। लिंगानुपात की बात करो दोस्तों, 918 प्रति 1000 पुरुष पर। महिलाओं की संख्या 918 है प्रति 1000 पुरुषों पर। पर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करो दोस्तों, तो गोपालगंज का है, जिसमें 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। फिर सिवान है, फिर सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, बिहार एक पर्चे। और ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।